अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डे इन माय लाइफ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ स्किन केयर की कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो सबसे पहले जो चीज़ है मेरे पास वो ये है कि सॉफ्ट टच का मिड मास्क है हमारे पास। बेसिकली इसका यूज़ हमने करना है कि जब अगर आपने फेशियल करवाया है या आपने ब्लीच किया है फेस पे तो रेडनेस हो जाती है, और तो उसके बाद आपने इसको अपने फेस पे 15 टू 20 मिनट्स के लिए इसको आपने अपने फेस पे लगा लेना है, फिर फेस वॉश कर लेना है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। सॉफ्ट टच का मिड मास्क है ये। जो दूसरी चीज़ हमारे पास है, टी जोन का पिल ऑफ मास्क है हमारे पास। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें जी, पिल ऑफ मास्क है। इसको आपने ट्वाइस अ वीक इसका यूज़ करना है। उसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद टॉवल के साथ साफ करना है। अच्छी तरह ड्राई होने के बाद फिर आपने इसको निकाल के और फिंगर टिप्स के साथ आपने इसको अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है। 30 मिनट्स तक इसको रखना है। फिर आपने बहुत ही जेंटली इसको हाथों के साथ इसको उतार लेना है फिर मास्क को। और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और इसकी एक वार्निंग ये भी है कि इसको आईज से और ऐसे सेंसिटिव एरियाज से इसको आपने दूर रखना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास ये है कि ये देखें जी, फ्लोरियल का हमारे पास है जी मॉइस्चराइजिंग शीट मास्क। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप विंटर्स हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, बहुत अच्छा है। ये भी मॉइस्चराइजिंग शीट मास्क है ये आप देखें। और इसके बाद जो चौथी चीज़ हमारे पास है वो टिट बेकर लंदन का बॉडी वॉश है हमारे पास। ये एक ब्लैक में है और एक टी पिंक है और एक ऑफ वाइट में है। तो ये दोनों अभी पैकिंग में हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जो एक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये आपको नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी खुशबू है इनकी, मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी डायरेक्शन भी मैं आपको बताती हूँ। अप्लाई डायरेक्टली टू वेट स्किन, वर्क इन टू अ लेदर एंड राइंस ऑफ थ्रोनली। और इसकी भी एक वार्निंग है कि इसको भी आपने अपनी जो आईज वगैरह है ना, सेंसिटिव एरियाज, तो उनसे आपने दूर रखना है। एंड डू नॉट अप्लाई टू इरिटेटेड और ब्रोकन स्किन। तो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं या ब्रोकन स्किन है तो ऐसी जगहों से आपने इसको दूर रखना है। तो जी आज की वीडियो मेरी यही थी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।